हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के वीडियो में हमारे पास है ये यसडी एडवेंचर। तो यसडी की एडवेंचर बाइक हमारे पास आज मिल गई हमें। तो 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन आता है इसमें। तो वो सारी बातें आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, 21 इंचेस का फ्रंट व्हील आता है इसमें, जो कि देखने में ही काफ़ी बड़ा लगता है। डुअल चैनल एबीएस आता है दोनों व्हील्स में। पीछे वाला 17 इंचेस का है और आगे वाला जो व्हील है इसका वो 90 सेक्शन का है, और पीछे वाला जो व्हील है वो इसका 130 सेक्शन का है। हिमालयन में 120 सेक्शन का आता है, इसमें 130 सेक्शन का है। ठीक है, एलईडी हेडलाइट आती है, इंडिकेटर्स एलईडी आते हैं, ये बड़ा सा प्लास्टिक फेंडर आता है, उसके नीचे एक मेन फेंडर आता है। 200 mm का इसके फ्रंट फोक्स में आपको ट्रैवल मिल जाता है। 10-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक आता है इसमें, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो प्रीलोड के लिए वो एडजस्टेबल है। तो ये बड़ी सी विंडशील्ड आती है सबसे पहले, आगे एलईडी लाइट आती है, मैंने बता दिया। तो मिरर्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, पहले गोल आते थे, अब इन्होंने चेंज कर दिया है। तो अपडेट्स आए हैं इस बाइक में बहुत सारे 2023 के लिए, और यहाँ पे यूएसबी ए और टाइप सी दोनों चार्जर मिलते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इसका जो हेडलाइट स्विच है वो थोड़ा बहुत कार्स की तरह वो आगे पीछे करके ऐसे चलने वाला, एक में ही सब कुछ इंटीग्रेटेड है। ABS के मोड्स मिल जाते हैं आपको इस बाइक में। तो ABS के मोड्स मतलब अलग अलग सिचुएशन में ABS अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तीन मोड्स आते हैं, रोड मोड, ऑफ रोड मोड और रेन मोड। ठीक है, तो रेन में ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाता है, रोड में बहुत कम इंट्रूसिव होता है, और ऑफ रोड में पीछे वाला ABS बंद हो जाता है। 15.5 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, सेम एज़ बिफोर। सीट हाइट वही है अपनी 815 mm की। पीछे की लाइट्स कुछ ऐसी आती हैं, पीछे की लाइट थोड़ी बड़ी कर देते हैं यार, तो ये मज़ा आ जाता है। इंडिकेटर्स जो हैं वो फ्लिमजी नहीं है, बाकी ब्रांड्स के मोस्टली क्या होता है फ्लिमजी रहते हैं थोड़े से, पर ये फ्लिमजी नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पर काफ़ी छोटे हैं दिखने में यार, ऐसी छोटी सी एक रेट्रो लुकिंग की आती है इसके साथ। इस बाइक का एक बहुत ही यूनिक फीचर जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो इसका डैश है इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो पीछे खोल के करना पड़ता है। अभी मेरे से हो नहीं रहा फॉर सम रीज़न, ज़्यादा टाइटली फिट कर रखा है, तो और मैं ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाह रहा उसमें। ओके, तो चेंजेस क्या आए हैं, स्लिप एंड असिस्ट क्लच आ गया है। पहले लोगों को कंप्लेन आती थी कि इसमें जो इसका क्लच है वो काफ़ी हार्ड है, तो यसडी ने उसको एड्रेस करा और अब ये क्लच काफ़ी लाइट कर दिया इन लोगों ने। लो एंड की कंप्लेंट करते थे लोग, जो कि एग्जिस्ट करती थी इस बाइक में थोड़ी बहुत, पर मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं। पर अब ये बाइक और भी ज़्यादा अच्छे से भाग पा रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट के इसके गियर बॉक्स में और स्प्रॉकेट में दोनों में चेंज किया है। तो स्प्रॉकेट जो है पीछे वाला वो बड़ा कर दिया ताकि लो एंड में ये बाइक बेटर परफॉर्म करे। और चेंजेस हैं इसके एग्जॉस्ट में, तो एग्जॉस्ट में चेंजेस हैं कि इसके एग्जॉस्ट नोट को बढ़िया बनाने के लिए और एयर फ्लो को थोड़ा अच्छे से इंक्रीज करने के लिए इस एग्जॉस्ट की जो ओपनिंग है उसको बड़ा कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो, पहले वो छोटी सी आती थी, अभी बड़ी सी आती है, तो जिससे कि फ्लो इंक्रीज होता है। आवाज़ सुनते हैं यार, अब देखो ये कुछ आवाज़ है इसकी, पटाखे भी छोड़ती है कभी कभी, मज़ा आता है सुन के यार, काफ़ी अच्छी साउंड है। ठीक है, तो 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन आता है इसमें, और 30.2 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, और 27 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये तो हो गई स्पेक्स की बात, अब चलाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, और कोई चेंजेस अगर मेरे को ध्यान आए बाद में तो मैं वो बता दूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चेंजेस इसमें फील होते हैं मतलब चलाने में। तो चला तो रहे हम भाई, ऑफ द बैट इंजन में रिफाइनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले इंजन थोड़ा ज़्यादा बजी था और अब इस इंजन में कोई दिक्कत नहीं है यार। पहले वो थोड़ा ज़्यादा की आवाज़ आती थी, और जब हाई एंड पे जाते थे, हाई एंड के लिए बिल्ड था इंजन, यस हाई एंड में अच्छा परफॉर्म करता था, पर वो थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा आती थी। और अब तो भाई साहब वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा अच्छे से कंटेंट है कि मैं क्या ही बात करूँ। 6 स्पीड का गेयरबॉक्स आता है इसमें, हिमालयन में 5 स्पीड का आता है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है हिमालयन के लिए। ये मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ में हिमालयन से तो बेटर ही है, क्योंकि मैंने दोनों बाइक चलाई है, इससे मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको। हिमालयन अगर आप लेने की प्लान कर रहे हो तो वो एक बेटर ऑफ रोड आप इसलिए कहोगे क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा है,
पर यार अब इसका जो टॉर्क है ना वो मेरे को फिक्स हुआ हुआ लग रहा है, क्योंकि इसका पिकअप काफ़ी बेटर लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने पुरानी वाली एस डी एडवेंचर चलाई है और हिमालयन चलाई है, और ये मैं नई वाली एस डी एडवेंचर चला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको रोड मोड पे कर रखा है तो पावर मेरे को फुल मिल रही है, तो जैसे ही मैं थ्रॉटल खींचता हूँ यार सिक्स गियर में भी अच्छा खासा पिकअप ले रही है ये बाइक, ये देख रहे हो ये, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है मेरे को यार जब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को इस बाइक को चलाने में। एक मिनट है, मैंने वीडियो ऑन कर ली थी क्या देख लूँ इस बार भाई, ब्रेक्स बहुत इम्प्रूव्ड है, ब्रेक्स आर वेरी मच इम्प्रूव्ड। तो हैजर्ड्स आते हैं इसमें और क्या क्या आता है यार, क्लच में वो बहुत अच्छा लग रहा है पता है, जब से इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच आया ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। हिमालयन का क्लच बहुत ही हैवी साइड पे और वो ऑफ रोडिंग के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होती यार, क्योंकि ऑफ रोडिंग में बार बार आपका हाथ जो है वो क्लच की तरफ जाता है एंड द क्लच इज़ वेरी हैवी ऑन दैट। ये बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोली है स्क्रैम्बलर 411 के लिए, जो हिमालयन की स्क्रैम्बलर है उसके लिए भी, तो उसमें मेरे को ये दिक्कत लग रही थी उसका क्लच बहुत हैवी था और ब्रेक्स तो उसके भाई बात ही किया करें। ये बाइक मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव लग रही है, हाँ इसका प्राइस 15,000 से बढ़ गया है पर इट इज़ वर्थ इट आई थिंक, मेरे को तो यही फील हो रहा है। अभी इसको थोड़ा और भगाते हैं देखते हैं। देखो एक चीज़ मेरे को जो दिक्कत लग रही है वो मेरे पैर थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, पर अभी साइडलिंग के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है तो थोड़ा सा वो एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इन बाइक्स में। खड़े होके देखता हूँ मैं, खड़े होके मैं इजीली चला पा रहा हूँ इस बाइक को, ये देखो मेरे हाथ इजीली पहुँच रहे हैं, मेरे को झुकना नहीं पड़ रहा, मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हूँ, तो दैट इज़ वेरी गुड। उतना कॉन्फिडेंस मेरे को हिमालयन में नहीं आता, और देखो मेरे को एबीएस थोड़ा सा इंट्रूसिव फील हो रहा है रोड मोड में भी, अभी मैंने इसको रोड मोड पे लगा रखा है, पर मेरे को थोड़ा सा एबीएस थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रूसिव लग रहा है, पर आई कैन मैनेज दैट, क्योंकि इतना इंट्रूसिव नहीं है कि मेरे को ऐसा लगे कि भाई ब्रेक ही नहीं लगा रहा यार, ओह वो फील हो रहा है भाई एबीएस पैर पर। पीछे वाला ब्रेक इज़ गुड, आगे वाला बहुत अच्छा है, आगे वाले ब्रेक में बाइक थोड़ी सी कम है और ऑफ रोड के लिए वो होना भी चाहिए, क्योंकि जब ऑफ रोड जाते हैं तो ऐसी बाइक नहीं चलती जिसमें एकदम से भट्टे से बाइट है और आपकी बाइक रुकने लगे, क्योंकि वो एक डेंजरस चीज़ रहेगी अगर ऐसा होता तो, ठीक है। तो अभी तो ये बाइक मेरे को बहुत ही इम्प्रूव लग रही है यार, तो एक लो एंड की ये दिक्कत है अभी भी इसमें कि इंजन बंद हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सी नॉकिंग की दिक्कत आती है अगर आप हायर गियर में इसको लो रेस पे चलाने की कोशिश करोगे तो, लाइक लो रेस एज इन सिक्स गियर पे अगर मैं इसको 20 की स्पीड पे चलाऊं तो वो दिक्कत देगा, अभी करके देखते हैं। फिफ्थ गियर में 30 की स्पीड पे चला रहा हूँ तो ये झटके खा रही है ऐसे, ठीक है। तो ड्यूक 390 ऐसे बहुत झटके खाती है, ये इन इंजन की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है यार, तो फिर वो इंजन है ना वो थोड़ा रेव करने के लिए बना होता है, और वो जब रेव आउट करते हैं ना इस बाइक को तभी उस इंजन को अच्छा लगता है, और टॉप एंड और मिड रेंज के लिए बेस्ट होते हैं ये वाले इंजन, लो एंड के लिए थोड़े कम अच्छे होते हैं, पर दिस वन इज गुड टू देख रहे हो, हिमालयन कैन नॉट डू दिस। हिमालयन के बस की नहीं बाकी सब, और तो ठीक है यार मज़ा आ रहा है मुझे बाइक चला के, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस बाइक में मिल जाती है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाता है, इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को आप ऊपर नीचे कर सकते हो और खड़े होकर चला रहे हो ताकि तब भी आपको दिखता रहे, या बैठ के चला रहे हो तब भी आपको दिखता रहे, तो वही बहुत ही अच्छा टच है इस बाइक के लिए। स्लिप एंड असिस्ट क्लच मैंने बता दिया ताकि आपका व्हील लॉक अपना हो पीछे वाला, वट एल्स, जो इंजन रिफाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी है, पहले मेरे को दिक्कत लग रही थी वो कि वाइब्रेशन है थोड़ी सी इसमें, पर नहीं
तो अभी ने क्या हो रखा है यार, इसका प्रीलोड जो एडजस्टेड है वो थोड़ा हार्ड एडजस्टेड है। 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट आती है इसमें, तो 10 स्टेप का मतलब आप 10 स्टेप में प्रीलोड को एडजस्ट कर सकते हो पीछे वाले शॉक एब्जॉर्बर के लिए। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आप इस बाइक को लोड करते हो कहीं जाने के लिए, जब अपना सामान रखते हो इस बाइक पर, तो उसके वेट के अकॉर्डिंग आप इस बाइक की जो राइड क्वालिटी है उसको एडजस्ट कर सकते हो, ताकि आपकी राइड ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो। दूसरी एक प्रॉब्लम जो है इस बाइक में वो है इसका ट्यूब टायर। तो पंचर हुआ तो भाई दिक्कत तो होगी, पंचर हुआ मतलब दिक्कत होगी इस बाइक के साथ, ठीक है। तो 220 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आता है, पर इसमें एक दिक्कत है छोटी सी, इसका जो शॉक एब्जॉर्बर है ना पीछे वाला, वो थोड़ा सा नीचे को लटका हुआ है बाकी पूरी बाइक से। इसका लोएस्ट पॉइंट जो है इसका वो शॉक एब्जॉर्बर में है। हेडलाइट थ्रो मेरे को दिन में भी फील हो रहा है, तो शायद अच्छा ही होगा रात में, पर पता नहीं चलता यार, एलईडी लाइट्स तो कुछ कह नहीं सकते। मेरे को तो हैलोजन से पसंद है। जो फैक्ट्री फिटेड लाइट्स आती हैं वो इतनी खास होती नहीं हैं, एलईडी फैक्ट्री फिटेड एलईडी। और जो एग्जॉस्ट है उससे इसकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस बेटर हुई है, ज़्यादा खुल के भाग पा रही है बाइक, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। बैश प्लेट इसमें बहुत अच्छी आती है यार। एक्चुअली जो इसका कूलेंट रिजर्वायर है वो भी बिल्कुल नीचे की तरफ है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आपको अपनी बाइक का कूलेंट चेंज करना है तो उसको पूरा ना फिर बैश प्लेट निकालना पड़ता है, फिर कूलेंट चेंज होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है, और वो बिना निकाले ही बैश प्लेट को आप कूलेंट प्रोटेक्टर को या बैश प्लेट को निकाले बिना ही कूलेंट है जो वो चेंज कर सकते हो। तो गेयरबॉक्स बहुत ही स्लिक है, बहुत ही ज़्यादा स्लिक शिफ्टिंग है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे साथ क्या होता है कि कभी कभी फॉल्स न्यूट्रल में पड़ जाती है बाइक, या फिर पता नहीं लगता कि गियर चेंज हुआ या नहीं हुआ, इसका बिल्कुल अच्छे से पता चल रहा है। तो यार एक चीज़ है कि इसमें बार बार गियर चेंज करने पड़ेंगे आपको, तो वो एक थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक है इस बाइक का कि आपको ये थोड़ा एंगेज रखती है अपने साथ। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लाइफ में आज तक गियर चेंज करना एक बुरी चीज़ है बाइक में, और थोड़ा कंफर्ट के लिए ऐसे होना चाहिए कि भाई चलते जा रहे गियर चेंज करना पड़ रहा, वह स्कूटी ले लो ना। एक चीज़ जो ये जी ने फिक्स नहीं करी है इस बाइक में वो इसका टैंक फिलर कैप है। तो कैप अभी भी ऐसा है कि निकल के हाथ में आ जाता है, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट लिव विद। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा बॉदर करता है यार। हाँ देखो, पैर की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही मेरे को, पर यहाँ पे जो टैंक ग्रिप्स हैं उनकी वजह से थोड़ा अच्छा ग्रिप आ रहा है, जो कि बेटर है मालिन से। खड़े होते हैं तो भी वो बेटर लगता है, क्योंकि जब खड़े होते हो तो आपके पैर ऐसे स्लॉट होते हैं नीचे, तो उन ग्रिप्स की वजह से यू कैन सैडल ऑन दिस बाइक बेटर, ठीक है। तो मेरे को तो यही लगता है कि यार इसका इस इंजन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल अलग है हिमालयन से, और ये बाइक ज़्यादा क्लोज कंपेटिटर है मे बी KTM के एडवेंचर्स का, रादर दैन कंपेयरिंग इट टू रॉयल इनफील्ड हिमालयन। एक चीज़ जो मेरे को बाइक में अभी फील हो रहा है कि थोड़ी सी ज़्यादा हीट होती है ये कंपेयर टू हिमालयन, वो एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो इतना हाई रेव नहीं करता, और मैंने अभी इसको पागलों की तरह भगाया पूरी रोड पे। तो वो एक चीज़ है जो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है शॉर्ट स्ट्रोक इंजन का। जो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होते हैं वो ज़्यादा जल्दी हीट होते हैं, राइट, जैसे कि अपने KTM हो गए। तो जो हाई रेविंग इंजन होते हैं वो जल्दी हीट होते हैं, इसलिए इसमें रेडिएटर भी है। तो रेडिएटर के फ़ैन की आवाज़ मेरे को पता नहीं आपको आ रही होगी या नहीं, पर मेरे को आ रही है थोड़ी थोड़ी। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा बॉदर करे आपको। अब जो है बाइक की बिल्ड क्वालिटी एंड बिल्ड फिनिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू इट्स प्रीवियस जनरेशन। जो प्रीवियस जनरेशन थी इस बाइक की, उसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत थी बिल्ड क्वालिटी से, अब इसमें बेटर हुई है बिल्ड क्वालिटी, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। ये बाइक मेरे को मिली थी ईवी ट्रेड से। ये शोरूम है मेरठ रोड गाज़ियाबाद पे DJSG के पास में। अगर आपको कोई भी ESG की बाइक चाहिए हो तो आप इन लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट डीलरशिप्स दैट यू कैन गो टू, ठीक है। तो ये हो गया अपन का ब्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, मेरी बहुत हेल्प हो जाती है उससे। तो ठीक है, आई सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।